नाज़िम बात करेंगे आज भारत की। मगर क्यों? भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देते हैं। कंट्रोल। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत की जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। नो। तो पाकिस्तान के ये जो पंथियां हैं वो भारत की सुरक्षा एजेंसी जरूर खोलेंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये सब भाषा समझ में नहीं आती दोस्तों। ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, इसका सबूत क्या है कि डीसेंसी की भाषा, शराफत की जबान, ये पाकिस्तानी पंजाबियों को, खासतौर से लाहौरियों को समझ में नहीं आती। इसका सबूत ये है कि भारत में इस वक्त आजादी की 67 तहरीके चल रही है। मैं नहीं मानता, 67 तहरीके चल रही है। बस कर कांटू। तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की पतलून गिली पीली ढीली पता नहीं क्या क्या कर रखी है। वहीं फिजा खान की फटके फ्लावर हो गई है। चलो मजे लेते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में और भी तेजी से काबिज होते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। वाह भाई वाह। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया के रॉयटर्स तक पर थूम मच गई। भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। भाई क्या कहने? आज हर अफगानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं। और जली ना तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। नॉन मुस्लिम कंट्रियों के एक मुस्लिम कंट्री को खरीद सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। क्या बात, ये बात है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए। हाँ। और वो काम कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के महाफिज हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं। हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात। आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है। पहले तो सिर्फ हम हिंदुस्तानी बोलते थे कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान, लेकिन अब तो खुद पीओके से आवाजें आ रही हैं। खुद पीओके की आवाम चाहती है कि उनको बनना है हिंदुस्तानी। तो चलो मजे लेते हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में इस वक्त हड़ताल को एक महीना पूरा होने वाला है। हाँ भाई हाँ। कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हकूक की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। कि गिलगित बल्तिस्तान या जो कश्मीर है वो इंडिया का नारा क्यों लगा रहे हैं, वो इंडिया की तरफ क्यों जाने की बात करते हैं? जरा सुनिए। आर पार छोड़ दो, करगिल रोड छोड़ दो, आर पार छोड़ दो। पंजाब रह गया था ये भी कहेगा के हमें भी आजादी चाहिए। मुल्की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है, और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। आपको पता है महंगाई का तूफान है, मुल्की मईशत की मईशत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है इतने बड़े चैलेंजेस के साथ। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह जुगाड़िया जमहूरियत रही तो फिर यकीनन कोई भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा। पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमहूरिया लगाया ना, ये बहुत बड़ी गलती हमने अपने स्टेट के साथ की है। वाह भाई वाह। बेसिकली अंग्रेज यहाँ से तो चला गया था। अच्छा। हम कहते हैं कि वो हमें आजादी दे के गया था, हमें आजादी दे के नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। अगर इसी तरह ये लोग खामोशी से बिरयानी खाने में बिजी रहे या मुरूसियत को जमहूरियत मानते रहे तो फिर इनका मुकद्दर ये गुलामी है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। BLA ने नंबर वन आर्मी की फाड़ के रख दी है। वहीं फिजा बोली कि भाई साहब मेरी फाड़ लो लेकिन नंबर वन आर्मी को बकस दो। चलो मजे लेते हैं। बलोचिस्तान हम देख रहे हैं कि शहजाद साहब एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। हजारों शहरी सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो चुके हैं। अल्लाह तौबा तौबा तौबा।
पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। जैसे ही महरंग बलोच वापस गए हैं तो उसके बाद बीएलए की तरफ से तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं प्रॉपर रॉकेट मिसाइल जो उनसे है वो अटैक किया जा रहा है। अच्छा बात नहीं। मच एक छोटा शहर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान, वहाँ पे 3 अटैक हो गए। चीटिंग 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 करता है तू। के मुल्क में खुद कुछ हमलों और धमाकों का सिलसिला निकल चला है। ये जो नफरत है बलोच के दिल में ये कम होने की बजाय और बढ़ती चली जा रही है और बीएलए और ताकतवर हो रहे हैं। जलवा है हमारा। बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका ये कहना है दर्जन भर पाकिस्तानी भी मारे गए तो फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ। ऐसा कहना है बलोच लिबरेशन आर्मी का, बीएलए का। तो फौज को बुलाओ, तो फौज चाहिए, फौज को बुलाओ, तो फौज को बुलाओ, तो फौज को बुलाओ। अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी हो तो फौज को बुलाओ, ऑपरेशन करे। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान आमने सामने खड़ा हो गया है और दोनों एक दूसरे को काटने और मारने की बात कर रहे हैं। तो फिर होगा क्या? बलूचिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन ये रियासत ऐसी है कि हमारी बात भी नहीं सुनता है। आई एम सॉरी बाबू। ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? हमारे घरों में जब तक निजामे मुस्तफा का निजाम नहीं ना आएगा, ठीक है, ये मुल्क ऐसे ही उजड़ता रहेगा। कोई सेंस है इस बात की? कि हम जो है हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू की औकात नाप दी मोदी जी ने, वही पोर्की बन गए उनके हिमायती। चलो मजे लेते हैं। चल 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 चल। तो पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा मालदीव को महंगा पड़ गया है। कैसे? मालदीव ने भारत से बदतमीजी की, उसके बाद मालदीव के अंदर ही बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी जन्म ले रही है। मालदीव के नेताओं ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये मांग करी है कि मोहम्मद मोइजू जो राष्ट्रपति है मालदीव का, वो भारत से और मोदी जी से माफी मांगे। कान खोल करके सुन लीजिए, तो मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स को पिछले एक हफ्ते से की इतनी घंटियां बजी हैं। लीडर है कासिम इब्राहिम, वो उठ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं मोइजू को फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से और भारत से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बहुत शर्मनाक हरकत की है। और सुने, और जो नेता है मालदीव्स के अंदर, वहाँ पे उनकी बातें चल रही हैं आपस में कि यार ये तो मरवा देगा पागल आदमी। इन्होंने इतना उल्टा सीधा बोला मोदी जी को, मोदी जी ने एक जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भाई 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे मुंह क्यों लगेगा यार? तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है? कढ़ाई की खुरचन। 3,000 से 4,000 टिकट्स जो है, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल, होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। सऊदीया जाते हैं वो कहते हैं गेट आउट, गेट आउट। दुबई जाते हैं वो कहते हैं गेट आउट, गेट आउट। 50% हमारा स्कैनर होता है वहाँ पर, मुझे उतार लेते हैं वहाँ पर वो एक्सरे की मशीन में। जी हाँ, इतने बदनाम है हम। शाबाश बेटा। दुनिया हमारे बगैर रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती है? हमारे पास पाकिस्तान है क्या? कर्जे में डूबा तुम्हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान है क्या? कुछ बेईमानों ने इस मुल्क को लूटा जरूर है, लेकिन एक दिन हम इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। असंभव। नासा के अंदर इंडियन छाए हुए हैं, उनकी एक्सपोर्ट जो है बेंगलोर, उनका जो है आईटी हब है। वाह मोदी जी वाह। 80,000 आपका दिमाग क्रीम जो थी पाकिस्तान छोड़कर चला गया, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, चला गया ना, कि हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर जो है, जो हमारा ब्राइट जो काम करने वाला नहीं है, डार्क की तो बात छोड़े। कुत्ते भी बेचे, गधे भी बेचे, क्योंकि यहाँ पर सारे जानवर हैं इस मुल्क के अंदर, भेड़ बकरियां हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इधर टीटीपी वालों ने भी पाकिस्तान को ठोक दिया। फिजा कितना ठुकेगी यार। चलो मजे लेते हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पे 1200 चेक पोस्ट बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में झड़प हो गई। के तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। अल्लाह तौबा। भैया थोड़े दिनों के बाद में आपको एक धमाका सुनने को मिलेगा।
धमाका ये होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अगर आज पाकिस्तान स्टैंड हो जाता है, यही नमक हराम इगवानी जो है ना, ये इस मुल्क में आके फिर चाटेंगे। अबे साले, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजरीन की वापसी की डेडलाइन खत्म होने जा रही है और कल से वापसी का जो रास्ता ना लेने वालों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वो इंडिया को चाट रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। इंडिया एक दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। वाह मोदी जी वाह। क्या कहेंगे जो सूरत हाल बॉर्डर पे बनी हुई है? मैडम, ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये सब इन्हीं की वजह से है। ये तो वो डाकू है, चोर है, जिन्होंने मुल्क की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। पाकिस्तानी फौजी जख्मी हो गए, 2 से लेकर 5 का आंकड़ा चल रहा है। एक्यूरेट आंकड़ा पाकिस्तानी नहीं बता रहे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये रोस्ट वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आप ऐसे ही रोस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं किट्टू राव साहिबा आपके लिए लेकर आऊंगी हफ्ते में एक ऐसा ही वीडियो, क्योंकि बंटी सर के बस की बात तो है नहीं ऐसे वीडियो निकालना, ये सिर्फ किट्टू भाई ही कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यो यो किट्टू भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।